देख रहे हैं खबरों का नया पैमाना, भोजपुर का अपना चैनल भोजपुर की आवाज। आपकी सुकून भरी नींद के लिए ले कंफर्ट लाए हैं लॉन्ग लास्टिंग फुली कस्टमाइज्ड और हाईली कंफर्टेबल मैट्रेसेस अनबीटेबल प्राइसेस पर, क्योंकि अच्छी नींद सपनों को हकीकत में बदलती है। संपर्क करें 9584931899। नमस्कार, मैं हूँ आयुषी शर्मा और आप देख रहे हैं भोजपुर की आवाज न्यूज चैनल पर कोरोना बुलेटिन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तीसरी कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। अब पूर्ण रूप से स्वस्थ होने तक अस्पताल में ही रहना होगा। अब खबर देश की। भारत में सोमवार को कोरोना मरीजों की संख्या 18,03,000 के ऊपर पहुंच गई है। इसमें अब तक 11,86,000 लोग जहां स्वस्थ हो चुके हैं, वहीं 38,135 लोगों की मौत हो चुकी है। सोमवार को देश में 52,972 जहां नए मामले सामने आए हैं, वहीं 771 लोगों की मौत हो गई है। अब खबर मध्य प्रदेश से। प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 34,285 पर पहुंच गया है। इसमें 24,099 मरीज जहां ठीक हो चुके हैं, वहीं 900 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। प्रदेश में सोमवार को जहां 750 नए मामले सामने आए हैं, वहीं 14 लोगों की मौत हो गई है। रायसेन जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 369 हो गई है। इसमें अब तक 259 लोग जहां स्वस्थ होकर घर लौट आए हैं, वहीं 8 लोगों की मौत हो चुकी है। सोमवार को रायसेन जिले में सिर्फ एक नया कोरोना मरीज मिला है। अब्दुल्लागंज ब्लॉक में अब तक कोरोना के 76 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से 55 मरीजों की जहां अस्पताल से छुट्टी हो गई है, वहीं एक मरीज की मौत हुई। औद्योगिक शहर मंडीदीप में सोमवार को एक भी व्यक्ति की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई। शहर में अब भी कोरोना संक्रमितों की संख्या 37 है। इसमें से 20 लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं, वहीं एक व्यक्ति की मौत हो गई है। इसके अलावा 17 लोगों का विभिन्न अस्पतालों में उपचार किया जा रहा है। आज के कोरोना बुलेटिन में बस इतना ही। कोरोना से बचाव के लिए घर पर रहें, भीड़ का हिस्सा ना बनें और सार्वजनिक स्थानों पर मास्क का उपयोग अवश्य करें। शुभ रात्रि।